चंडीगढ़ में 11 महीने पहले जीएमसीएच 32 की पार्किंग में लुधियाना निवासी युवक को मारने आए क्रूज कार सवार बदमाश I-20 कार पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इस वारदात में बहन का इलाज कराने आए एक युवक की बाजू में गोली लगी थी। सेक्टर 34 थाना पुलिस मंगलवार को संगरूर जेल में बंद गैंगस्टर बलजीत चौधरी व भवजीत को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। दोनों को जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस आरोपी कमल व बिल्ला को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि ये आरोपी निशान खेरा अभी फरार है। सेक्टर 63 में बलजीत चौधरी पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सेक्टर 49 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस इन मामलों में भी उससे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 10 जनवरी को जीएमसीएच की इमरजेंसी के पास क्रूज सवार 5 बदमाशों ने I-20 कार पर गोलियां बरसाई थी। कार के पास खड़े नालागढ़ निवासी गुरदयाल की बाजू में गोली लगी थी, जबकि उसका दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं था। सभी आरोपी लुधियाना निवासी जगतार को मारने आए थे। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।